शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदान सूची पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं और फर्जी वोट बनाने के आरोप भी लगाए हैं। इसको लेकर वीरवार को शिमला भाजपा जिलाध्यक्ष पार्षदों के साथ निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंप कर सूचियों को दुरुस्त करने की मांग की है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष ने रवि मेहता से कहा कि शिमला नगर निगम के होने वाले चुनावों की मतदान सूची में बहुत ज्यादा त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि समर हिल वार्ड की एक दुकान के पते पर 5 नकली वोट बनाने का मामला ध्यान में आया, जबकि उस दुकान के मालिक से बातचीत करके पता चला कि वो इन लोगों को नहीं पहचानते और उनका इस पते से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि ऐसे बहुत से मतदाता हैं जो एक दूसरे के कार्ड पर वोट डाल गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे शिमला की ओर से आज हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके माध्यम से ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमारा ये आरोप है कि नगर निगम के जो चुनाव हैं अभी प्रपोज जो अभी होने वाले हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं अभी वोटों को लेकर के जो वोट बन रहे हैं वोट बनाए जा रहे हैं या जिस तरह से अभी जो एक्ट अमेंड हुआ था उसके बावजूद भी उनको दरकिनार करते हुए बहुत सी अनियमितताएं बरती जा रही है। इसलिए हमारा एक शिकायत भी है, कंप्लेंट लेकर करके हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, जिलाधीश महोदय से भी इसका संज्ञान आज हम उनके ध्यान में भी ला रहे हैं और हमारे शिमला के जो माननीय काउंसलर जो पूर्व में रहे अभी हैं संजय सूद जी जो यहाँ से हमारे प्रत्याशी शिमला से रहे हैं और पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं इनके साथ में लेकर करके हम ऐसा एक ज्ञापन जो है अपना इस रूप से हमने प्रेषित किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि तुरंत चीफ इलेक्शन कमीशन इस विषय का संज्ञान ले और नहाद नीचे तक में जो डायरेक्शन हमें अभी इलेक्शन के रिगार्डिंग नगर निगम के लिए नाते देनी है वो तुरंत उसमें जारी करेंगे।